बार बार ना फेस दिखा दिखा के कैमरे को मैं थक गई हूँ बस। हैप्पी संडे माय ऑल फ्रेंड्स। तो चलिए, अभी ये आफ्टरनून का है वीडियो क्लिप जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आपको मॉर्निंग में लेकर के जाती हूँ कि सुबह से मैं क्या क्या की, यानी सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक मैं क्या की हूँ वो दिखाती हूँ। तो चलिए वो वीडियो क्लिप ऐड करती हूँ साथ में, फिर मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बजे हैं तो मेरा प्रीमियर ऑन है ना, इस वजह से मैं अभी जगी हूँ। सुबह मॉर्निंग में फ्रेंड 7:05 में हमारा प्रीमियर ऑन रहता है, इस वजह से मैं उठ गई थी। तो उठ गई तो अच्छा ही है, कुछ अभी दवा के लिए हस्बैंड को कुछ दे दूँ। ना सुबह सुबह तो खाया नहीं जाता है, पर थोड़ा सा दे देने से क्या होता है, दवा खा सकते हैं। सुबह सुबह उठ के कौन काम करता है, चलो सो जाए। मॉर्निंग में कुछ काम था नहीं तो सो गई, पर बहुत लेट हो गया उठने में। और सुबह पता नहीं आलस करने लगी तो 8 बजे मुझे आँख लग गई, और अभी बज रहे हैं 10। तो अब मैं उठती हूँ और जल्दी काम कर लेती हूँ। और सो रही थी तो क्या हुआ ना, हस्बैंड उठाए भी नहीं, वो तो जाग रहे थे, योगा वगैरह अपना किए, और इधर अंडा भी उबाल के रखे। तो मैं फटाफट उठ करके मल्टीग्रेन आटे का ब्रेड था उसे मैं बटर से सेक दी हूँ। और ये देखिए, छत पर मेरे हस्बैंड बैठे हैं और मैं जूम करके वीडियो ले रही हूँ। और अभी मेरा हो गया है मॉर्निंग टी, मॉर्निंग काढ़ा जो भी होता है वो सब हो गया। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दी और वो छत पे गए हैं, तो मैं सोची जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो पता है मुझे एक चीज़ आप लोगों को बोलना था कि मैं तो 20 साल से सेमी मशीन यूज कर रही हूँ। अभी पिछले साल मैं नया ली, फिर भी मैं सेमी ली इसलिए क्योंकि मुझे इसमें मतलब परफेक्ट लगता है, हर तरह के मैं कपड़े धो लेती हूँ, नया पुराना कलरफुल जैसा भी हो मैं अपने मर्जी से इसको चलाती हूँ, इस वजह से मैं ये यूज कर रही हूँ। पर आप लोग देखिए कि मैं कैसे धोती हूँ, सर्फ पानी डिटॉल डाल करके धो ली, उसको खंगालना होता है तो मशीन में ही आप खंगालते रहिए, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लोगों को देखती हूँ कि अलग से निकाल के खंगालते हैं, यानी डबल मेहनत, तो मैं इसी में खंगालती हूँ और आज तक ऐसे ही कर रही हूँ, कपड़े में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और देखिए कपड़े भी धुल गए, जब साफ पानी आ जाए तो उसे आप सुखा ले लीजिए, सुखाने के लिए ही आपको सिर्फ हाथ लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लगाना पड़ेगा। और यहाँ वीडियो सबका चल रहा है, और जिसकी बड़ी बड़ी वीडियो होती है ना तो उसको लगा के मैं छोड़ देती हूँ, जिससे क्या है ना कि मुझे बार बार देखना नहीं होता है। और इधर मैं किचन में बर्तन कर ली थी, तो मैं सोची कि बर्तन और किचन सब पूरा कंप्लीट कर लूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। 10 बजे सोकर उठी थी फ्रेंड, तब तो मेरा कपड़े और ब्रेकफास्ट हुआ, मतलब हस्बैंड को दे दी तो वो छत पे चले गए, तो मैं यहाँ पे बर्तन धोती हूँ। तो मैं सोची चलो सेट कर देती हूँ, अभी मैं जो काम करने आती है ना उसे मैं छुट्टी दे के रखी हूँ, इस वजह से मुझे ही करना पड़ रहा है। और यहाँ पे बर्तन हो गए, और संडे ब्लॉग जो होता है फ्रेंड्स, जो मैं आज जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं मॉर्निंग 7 बजे से लेकर के वीडियो शूट कर रही हूँ तो काफ़ी मेहनत भी लगता है। और मेहनत क्या, हर जगह काम करो वीडियो शूट करो तो टाइम बहुत जाता है, और ठंडी में काम क्या बढ़ता है ना, ये जो कालीन बिछाती हूँ ना हर जगह तो वो ऐसे साफ़ नहीं होता है, डेली मशीन वैक्यूम कौन निकाल के साफ करे। तो मैं झाड़ू से, नारियल वाले झाड़ू से उसे पहले क्लीन कर देती हूँ, फिर ब्रश से उसे ब्रश मार देती हूँ, जिससे क्या ना कि उसमें अगर तो बाल भी थोड़े बहुत जाते हैं ना तो वो निकल जाता है, तो यानी कि डबल मेहनत होता है। तो मेहनत तो होता ही है, पर मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कालीन को मैं थोड़ा सा साइड करके, उठा करके साइड रखूँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि अच्छे से फिर होते नहीं है। तो ये विंटर का समझिए एक्स्ट्रा काम होता है जो मुझे करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आज संडे है और तो मुश्किल है पर कर रही हूँ। और यहाँ पे गमले का पता है ना, पौधे सब सूख रहे थे, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो पानी डाली हूँ तो थोड़ा सा हरे भरे हो जाएंगे, और पत्ते भी गंदे हो गए थे उसे भी मैं क्लीन कर दी। और बाहर जब गमले में पानी डालूँ तो बाहर पानी पानी होता है, तो वाइपर से मैं धो रही थी। और ये देखिए पत्ते कितने खूबसूरत हो गए ना, धुलने से बिल्कुल लाइट कलर, एकदम बिल्कुल बहुत सुंदर कलर आ गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं पोछा लगा रही हूँ, तो सिर्फ थोड़ा सा मैं वीडियो क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कितना काम का दिखाऊँ, तो इतना जितना मुझे लगा जरूरी उतना मैं दिखा रही हूँ। और किचन भी क्लीन हो गया तो मैं कालीन बिछा दी क्योंकि ठंड लगती है ना इस वजह से। हाँ तो टेस्ट में तो है। हाय फ्रेंड्स, अच्छा देखती हूँ। हाय फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा काम हो गया, मैं बहुत आज काम की हूँ।
पर अभी जा रही हूँ, मुझे भूख लगी है, छोटी सी भूख है, तो जा रही हूँ पीनट बटर और ब्रेड खाने के लिए, छोटी को भी दे दूंगी। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, आज मूड कर रहा है साड़ी पहनने का, अगर मन किया तो पहनूंगी, नहीं तो नहीं पहनूंगी। तो चलते हैं किचन में, बहुत काम पड़ा हुआ है अभी, खाना बनाने का यानी लंच का टाइम भी साथ में हो रहा है, तो भी बहुत काम है, बाद में बातें करूंगी। बाय बाय। और अभी फ्रेंड से 12:30 के आसपास हो रहा था, तो मैं जब फ्रेश होकर के आई पूजा करके, तो मैं बोली चलो पीनट बटर थोड़ा सेक लेती हूँ, और इधर मैं खाने की भी तैयारी कर चुकी थी। तो देखिए मतलब कि साथ में ही सारा काम हो रहा था, तो माइक्रोवेव में चावल और आलू एक साथ दे दी तो वो भी पक गया, और इधर मैरिनेट होने के लिए बैंगन रखी थी क्योंकि बैंगन भाजा बनाना है मुझे। दाल सिंपल बना रही थी तो दाल में तड़का डाली, और इधर मैं चोखा बना रही हूँ, तो बिहार का स्पेशल चोखा है, तो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। देसी स्टाइल में तो नहीं बना रही हूँ, जैसे फ्राई वाला होता है ना वैसे ही बना रही हूँ, जैसे सबको पसंद है। तो इतना मेहनत मैं कर रही हूँ, अभी जो थाली सजाई हूँ तो सिर्फ मैं थंबनेल के लिए थाली सजाई हूँ, तो इतना मेहनत करके कौन वो थाली में, तो अपना निकालो और खा लो। और इस वजह से मैं थोड़ा अच्छे से सजाई कि मुझे थंबनेल लेना था, और यहाँ पे टीवी चल रही थी तो मेरे हस्बैंड ये सामान बुक कर रहे थे, बोले तुम्हारे लिए कर देता हूँ। वो तो अच्छा था कि मैं देख ली, मैं मना कर दी कि नहीं ये सब मुझे नहीं लेना है, ऐसे बहुत सारा सामान हो गया है। तो चलिए आ जाइए खाना खाने के लिए, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30, तो लंच का टाइम हो रहा है, तो सब लोग कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा खाना खाने में, मतलब मज़ा आ गया। तो आप लोग भी आ जाइए, और खाना खाना और वीडियो लेना बहुत अनईजी होता है, मगर थोड़ा सा मैं वीडियो क्लिप बनाई हूँ, तो क्योंकि मुझे सब कुछ आज पूरा रूटीन दिखा रही थी ना, इसलिए थोड़ा सा वीडियो क्लिप ली, नहीं तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, खाना खाऊं या वीडियो में देखूं, खाना खाऊं वीडियो में देखूं। तो चलो हो गया है, और हस्बैंड से बात भी हो रही थी, खाना वाना खा ली, उसके बाद आ गई बर्तन धोने के लिए। मैं भी थोड़ा सा बर्तन है तो धो लूँ, क्योंकि आज तो पता नहीं कितने सारे काम है, क्योंकि घर में है इस वजह से, बाहर जाती थी तो ये सब काम नहीं होता था। अभी मैं थोड़ा वीडियो भी वॉच कर लूँ और थोड़ा रेस्ट भी कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज तो। अभी फ्रेंड्स ये हो रहे हैं इवनिंग का टाइम, यानी शाम हो गया, तो अभी थोड़ा रेस्ट करके उठी हूँ। तो बोलते ना शाम होते होते तो सारी आप एनर्जी देख लो ख़त्म ही हो जाती है, तो काम कर करके तो बुरा हाल हो गया है आज तो। तो चलिए अभी छत पे जा रही हूँ मैं, और अभी छत पे आई फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे हल्की सी धूप आई ना आँखों में तो अजीब सी होने लगी। और यहाँ पे देखिए अब सूर्यास्त का टाइम भी हो रहा है, तो यहाँ पे सूर्यास्त का टाइम हो रहा था और हम लोग छत पे सारे लोग थे, तो और वही बातें कर रहे थे, तो उधर सूर्यास्त हो रहा है और इधर चंदा मामा निकल रहे थे, तो जैसे लग रहा था कि हाथों में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ऊपर जा कर के वीडियो ले रही थी, और यहाँ पे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, फिर नीचे आई तो हमारा ये शाम को हस्बैंड को देना था बीट रूट और आंवला, वो दे दी, छोटी के लिए पॉपकॉर्न और चाय और काढ़ा, तो ये हो गया। उसके बाद मैं रात का खाने की तैयारी करूंगी, पहले इतना पी करके थोड़ा रेस्ट कर लूं। अब यहाँ पे ना मैं फेस दिखा दिखा के कैमरा से फेस कर करके अब मैं थक गई हूँ, और थकान से अब स्माइल भी नहीं आ रही है चेहरे पे। और अभी 7 बज रहे हैं, यानी क्योंकि सुबह 7 बजे कैमरा उठाई थी, अभी 7 बजे, तो नाइट का वीडियो क्लिप मैं ऐड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और अभी डिनर में बन रहा है मटर मशरूम, तो क्योंकि छोटी दोपहर में बोल रही थी क्या खाना बना रही हो मम्मी ये सब, तो मैं बोली कि अभी खा लोगे ना, तो रात में मटर मशरूम खिलाऊंगी। तो हस्बैंड के लिए सिंपल रोटी और छोटी के लिए तंदूरी रोटी बनाई हूँ, और ये हस्बैंड जी के लिए हल्दी वाला दूध, बेटी के लिए कॉफ़ी, और मेरे लिए प्लेन दूध। तो सारा काम हो गया है फ्रेंड्स, अब तो बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। अभी रात के 10:30 हो रहे हैं, तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स पता है 15 घंटा वीडियो शूट की हूँ, और 8 से 10 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।